तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाकर घर घर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल शो को अलविदा कह चुकी हैं। एक्ट्रेस ने शो के निर्माता असित मोदी पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। वहीं अब जेनिफर वापस से पुराने लम्हों को याद कर भावुक होती नजर आई। जेनिफर ने लेटेस्ट इंटरव्यू में असित मोदी का नया किस्सा सुनाया जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशान होना पड़ा था। जेनिफर ने अपने हालिया इंटरव्यू में साझा किया कि निर्माता असित मोदी ने उन्हें नागपुर जाने और अपने गंभीर रूप से बीमार छोटे भाई को देखने की अनुमति नहीं दी थी। जेनिफर ने कहा कि निर्माताओं ने उन्हें मोनिका भदौरिया और नट्टू काका यानी घनश्याम नायक को खूब परेशान किया था। जेनिफर ने इसे कर्म का कार्य बताते हुए कहा, ये मेरे भाई की आत्मा है, मोनिका की माँ की आत्मा है, नट्टू काका की आत्मा है। नट्टू काका को इन लोगों ने खूब परेशान किया था। जेनिफर मिस्त्री ने कहा, उन्होंने शैलेश लोढ़ा को शो में वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था उन्हें कि आप वापस आ जाओ, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं जेनी, अब ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। जेनिफर ने बताया कि जब उनके छोटे भाई की हालत गंभीर थी तब भी उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने उससे कहा कि मेरा भाई वेंटिलेटर पर है, मुझे नागपुर जाने की ज़रूरत है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा शूट छोड़ के नहीं जा सकती। जेनिफर ने कहा, अपने भाई को खोने के बाद वह बीमार पड़ गई और उनका वजन काफ़ी कम हो गया। एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने निर्माता असित मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। एक्ट्रेस ने असित मोदी के अलावा शो के निर्माताओं पर भी आरोप लगाते हुए दावा किया कि वह इससे पहले भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी है। वहीं जेनिफर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए असित कुमार मोदी ने कहा था, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वह मुझे और शो दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हमने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं, इसलिए वह आधारहीन आरोप लगा रही हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।